On the instruction of Senior Constable Superintendent Kishore Kaushal, the police will now try to register their presence by patrolling on foot in all police station areas of the district. Under this, foot patrolling was done in Shaktri Market under the leadership of Constable Superintendent Nagar, where, during the patrolling, the police officer and the soldiers were interrogating the youth roaming in the market. पैदल गश्ती, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जमशेदपुर में हम लोगों ने पहले भी करवाई हुई है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार वाले एरियाज है, जहाँ पे कि लोगों का आवागमन अक्सर ही रहता है, वहाँ पे कभी कभार पता लगता रहता है कि वहीं पे जो असामाजिक तत्व हैं उनका भी जमावड़ा कभी कभार हो जाता है। उसी की रोकथाम के लिए ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हम लोग पैदल गश्ती के नाम से करवाते हैं। तो आज इसमें हम लोगों ने पहली बार जो है एक डॉग का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि डॉग का एक अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। वो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंधित सामान अगर कहीं भी उसको पता लगता है तो वो आपको अलर्ट भी देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज इसमें डॉग का भी इस्तेमाल किया है। आगे भी इस प्रकार के मार्चेस को हम लोग जारी रखेंगे और आशा करते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव हम लोग को मिलेंगे और शहर में हम लोग शांति अमन व्यवस्था कायम करने में और अधिक अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। क्योंकि ये जो हम लोग जो गश्ती करते हैं, ये एक तरीके से प्रिवेंटिव पुलिसिंग का पार्ट है। क्राइम होने से पहले ही हम लोग जो है अपराधियों के मन में एक भय व्याप्त करते हैं, अपराधियों के मन में एक डर बनता है कि पुलिस बहुत सजग है, और कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक में मैसेज जाता है कि पुलिस आपके लिए तत्पर है। कभी कभार हम लोग अगर इस तरह की गश्ती कर रहे हैं तो वो लोग हमको आके स्वयं बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर उनको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई भी करने में सक्षम होंगे। तो निश्चित तौर पर इससे अपराध में कमी आएगी।